फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पपाया शुक्तो। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही हेल्दी फूड है। इस तरह का रेसिपी बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सारे रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच पाए, और हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए हम पपाया शुक्तो बनाते हैं। पपाया शुक्तो बनाने के लिए पपाया को अच्छे से धोकर साफ करके छिलका हटाकर हमने इस तरह का पीसेस में काट लिए हैं, और अब हम इस पीसेस को पतला पतला करके काटेंगे। इस तरह से काटना है, पतला करके काटना है। सारे पपीते को इसी तरह हम काट लेते हैं। सारे पपीते को मैंने काट लिए हैं, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, और अब हम इसे शुक्तो बनाते हैं। एक तड़का पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल के हम बड़ी को थोड़ा सा भून लेते हैं। दाल की बड़ी है, इसको हम शुक्तो में डालेंगे। थोड़ा सा भून लेते हैं इसे। इसको थोड़ा हल्का ब्राउन करके भून लेना है। पैन में 1 चम्मच व्हाइट ऑयल डालते हैं, 1/4 चम्मच राई डालते हैं, सरसों, और इसमें पपीता को भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे हल्का फ्राई कर लेना है, पहले भून लेना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डालते हैं, और इसे अच्छे से थोड़ा मिलाना है। अब हम इसमें 2 तेज पत्ता डालते हैं और इसको 1-2 मिनट भूनना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। एक ग्लास और 1/2 ग्लास पानी डाले हैं, और इसको अब हम ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो कर देना है, इसे लो फ्लेम में पकाना है। 5-7 मिनट बाद चेक करते हैं, पपाया को दबाकर चेक करना है। नरम होने से पता चलता है यह पक चुका है, और अगर नरम नहीं होता तो इसे फिर से ढककर हमें पकाना है। और हमारा पपीता पक चुका है, तो अब हम इसमें बड़ी को डालते हैं। जो बड़ी को हमने फ्राई करके रखे थे, इसे आधा टुकड़ा करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे। और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक है, इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच घी डाले हैं, घी को भी अच्छे से इसके साथ मिलाते हैं, और हमारा पपाया शुक्तो तैयार है। इसे चावल के साथ खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी
सब्जी है ये, तो इस तरह से हम सुक्तो को बनाते हैं। आप भी जरूर ट्राई करें। ये सुक्तो हमारा तैयार है और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं।